Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं आ गई हूँ एक brilliant सी रेसिपी लेके. ये है फिश करी, बंगाली स्टाइल, जिसको हम लोग दोई माछ बोलते हैं, वो है. आज मैं उसकी रेसिपी लेके आ गई हूँ, संडे स्पेशल. तो ये वीडियो आप लोग को कल मिलेगी, बिकॉज आज हम लोग एडिट वगैरह करेंगे तो टाइम लगेगा. तो पहले हम लोग को फ़िश को अच्छे से वॉश कर लेना है. उसके बाद हम लोग को उसमें नमक मिक्स करना है अच्छी तरीके से. फिर हम लोग तेल में फ्राई करेंगे इसको अच्छी तरीके से. और आप लोग एक चुटकी नमक डाल देना, हल्दी डाल देना, बिकॉज विदाउट हल्दी खाना नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं. तो उसे अच्छी तरीके से भूनना है मच्छियों को, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्प आने तक अच्छी तरीके से उसे हम लोग को फ्राई कर लेना है एक चुटकी हल्दी के साथ. और नमक तो पहले से आप लोग मिक्स कर ही लेना. तो मच्छी को अच्छी तरह पलटी मार मार के हमें फ्राई करना है. देखना, एकदम कच्चा नहीं होना चाहिए, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. फिर हम लोग उस पर थोड़ा सा और क्रिस्प हो जाएगा, फिर और तेल ऐड कर लेंगे. फिर हम लोग डालेंगे जीरा, खड़ा जीरा. उसके बाद डालेंगे सूखी मिर्च और तेज़पत्ता. फिर डालेंगे, हम लोग ने डाला है यहाँ पे कांदा, लहसुन और अदरक, तीनों का एक साथ पेस्ट डाला है. उसके बाद हम लोग ने इसमें ऐड किया है फेटी हुई दही. अच्छे से फेट के वो दही को हम लोग ने ऐड कर दिया. उसे अच्छी तरीके से भूनना है गाइस, उसका तेल सेपरेट होने तक. फिर हम लोग इसमें पानी ऐड कर देंगे और उसको उबाल लेंगे. फिर आप अपने स्वाद अनुसार उसमें नमक ऐड कर दीजिए. और फ्राई की हुई मच्छी को तैरने दीजिए अच्छी तरीके से करी में. हम लोग अभी उसको तैरने देंगे. तो इसको हमें कुक करना है अराउंड 15 मिनट्स. उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर से घी, गरम मसाला और डाल देंगे हरी मिर्च. तो गाइस, हमारी फिश करी रेडी है. कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके और लाइक शेयर.